सारूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ जुकीनी या इंग्लिश तोरे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत हेल्दी है, फाइबर से भरपूर है और इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। इसको आज मैं भरवां तरीके से किस तरह बनाएं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जुकीनी की सब्जी बनाने के लिए हमको चाहिए 3 से 4 जुकीनी, जिसको कि मैंने छीलकर धोकर लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे। उस पर एक लोहे का पैन रखकर उसमें 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जब जीरा भुन जाएगा, तब हम इसमें कटी हुई जुकीनी डालेंगे। इसको चलाएंगे और हम लगभग 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे ही भून लेंगे। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। डेढ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। एक टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मसाले हम अच्छे से ही डालेंगे, क्योंकि जब अच्छे मसाले पड़ेंगे तो ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम इसमें एक बारीक हरी मिर्च काटकर डाल देंगे। अच्छे से इसको चलाएंगे और लिड की सहायता से इसको ढककर पकाएंगे। लगभग 2 से 3 बार हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और चेक करेंगे कि सब्जी गली है कि नहीं।
अगर हमारी सब्जी अच्छे से गलने लगे तो इसका मतलब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और बन अंडा हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर डाल देंगे। और सबसे लास्ट में हम बन अंडा हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब जुकीनी की सब्जी बनकर तैयार है। इसको हम रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान में रखकर अगर ये सब्जी बनाई जाए तो ये बहुत हेल्दी और टेस्टी बनती है। जैसे कि हम इसको आयरन पैन में बनाएं, आयरन पैन की सब्जियां बहुत हेल्दी और आयरन से भरपूर होती हैं। और मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से पका लें, उसके बाद ही मसाले और जुकीनी डालें। और इस सब्जी में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो उसको आप ज़रूर डालें। और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।